गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. इन लास्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. हियर इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. इट इज डिनोटेड बाय ई, दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिनोटेड बाय ई. एंड as per Hooke's law states that when a material is loaded within elastic limit, a stress is directly proportional to a strain. Mathematically, within elastic limit, a stress is directly proportional to longitudinal strain. And friends, elastic limit ko maine iske pehle ki video mein detail explain kiya hai. Now स्ट्रेस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंटू स्ट्रेन, दैट इज स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. एंड दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव्स विथ द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ई इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज ई इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. That is, Young's modulus of elasticity E equal to normal stress divided longitudinal strain. Now, Young's modulus of elasticity is defined as the ratio between tensile stress or compressive stress to the corresponding tensile strain or compressive strain within elastic limit. That is, E equal to sigma t divided epsilon t or E equal to sigma c divided epsilon c. Now, for example, let us consider a structural member when it is subjected to two equal and opposite poles and the member tends to elongate or increase in length. मान लिया कि मेरा initial length L0 था. And after applying a force P, the length will be L plus delta L, that is L0 plus delta L. So, in this case, tensile stress is developed due to applied force P. And also, corresponding to tensile stress, a tensile strain is also developed. So, टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डिवाइडेड ए. एंड लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल डिवाइडेड एल, वेयर डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल प्लस डेल्टा एल. नाउ सिमिलरली इफ ए स्ट्रक्चरल मेंबर इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट पुशेज एंड द मेंबर टेंड्स टू शॉर्टन or decrease in length. So, in this case, compressive stress is developed due to applied force P. And also, corresponding to compressive stress, a compressive strain is also developed. That is, sigma C, that is compressive tensile stress, क्या हो जाएगा इस केस में, P divided A, and longitudinal compressive strain क्या हो जाएगा, डेल्टा एल डिवाइडेड एल, वेयर डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या होगा, डिक्रीमेंट इन लेंथ, दैट इज एल माइनस डेल्टा एल. अगर मेरा इनिशियल लेंथ एल था तो फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा, एल माइनस डेल्टा एल. सो इफ ई इक्वल टू सिग्मा टी डिवाइडेड एप्सिलॉन टी, दैट इज नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेन, और वी कैन से दैट सिग्मा टी इक्वल टू क्या है, पी बाई ए, एंड एप्सिलॉन टी क्या होता है, डेल्टा एल डिवाइडेड एल. सो अगर ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं तो यहां से क्या मिलता है, ई इक्वल टू पी एल डिवाइडेड ए इंटू डेल्टा एल. दैट इज अगर हम डेल्टा एल फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल डिवाइडेड ए ई. नाउ वी कैन से दैट यंग्स मॉडुलस इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट. एग्जांपल्स,
इफ x मटेरियल हैविंग इलास्टिक लिमिट, जैसा कि इस ग्राफ में दिखाया गया है, ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन का ग्राफ है, एंड इस ग्राफ में मेरा ये जो पॉइंट है वो इलास्टिक लिमिट ऑफ स्ट्रेन दिखा रहा है और ये पॉइंट दिखा रहा है इलास्टिक लिमिट ऑफ स्ट्रेस, एंड आफ्टर दिस ये पॉइंट जो दिखा रहा है मेरा वो प्लास्टिक लिमिट दिखा रहा है, दैट इज ये जो रीजन है मेरा वो क्या है इलास्टिक रीजन है। लेट सिग्मा ई एल दैट इज स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट, मान लिया कि मेरा 200 मेगा पास्कल है, दैट इज आफ्टर दिस अगर हम फोर्स या स्ट्रेस का वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो वह इलास्टिक लिमिट दैट इज इलास्टिक रीजन से बाहर हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे ग्राफ में दिखाया गया है वो प्लास्टिक लिमिट कहलाएगा या प्लास्टिक रीजन कहलाएगा। सो मटेरियल अंडरगोज इलास्टिक डिफॉर्मेशन ओनली इफ सिग्मा इंड्यूस्ड, और वी कैन से दैट फोर्स इंड्यूस्ड मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 200 मेगा पास्कल ओनली, दैट इज यहाँ पे कह सकते हैं कि सिग्मा इंड्यूस्ड वो क्या होगा लेस देन इक्वल देन इलास्टिक लिमिट, दैट इज मेरा जो सिग्मा इंड्यूस्ड का वैल्यू होगा या तो 200 मेगा पास्कल होगा या उससे कम होगा, तभी मेरा जो मटेरियल्स है वो क्या होगा अंडरगोज इलास्टिक डिफॉर्मेशन ओनली। नाउ एक्सप्लेन इफेक्ट्स ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट इज ई के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो फॉर दिस लेट अस कंसीडर टू बार, वन ऑफ माइल्ड स्टील एंड अनदर इज एल्यूमिनियम। वी नो दैट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज ई फॉर माइल्ड स्टील कितना होता है 200 to 210 गीगा पास्कल, एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज ई फॉर एल्यूमिनियम होता है 68 to 70 गीगा पास्कल। सो फ्रॉम द फिगर वी कैन से दैट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर माइल्ड स्टील इक्वल टू 3 times ऑफ यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, दैट इज ई ए अगर हम माइल्ड स्टील को ए कंसिडर कर लें एंड एल्यूमिनियम को बी कंसिडर कर लें, दैट इज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 times ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बी। सो फॉर ए गिवन स्ट्रेस दैट इज इफ सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा बी, चूंकि हम जानते हैं कि ई इक्वल टू क्या होता है स्ट्रेस दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो यहां से क्लियरली हम लिख सकते हैं कि मेरा ई लॉन्गिट्यूडनल मीन्स एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल का जो वैल्यू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/E दैट इज 1/ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। सो हियर वी कैन से दैट स्ट्रेन ऑफ बी इक्वल टू 3 times ऑफ स्ट्रेन ए दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन एल्यूमिनियम इज 3 times ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑफ माइल्ड स्टील सिंस ई ए इक्वल टू 3EB, सो EB इक्वल टू 3EA, दैट इज अगर MS बार 100 mm एलोंगेट होता है तो एल्यूमिनियम बार 300 mm एलोंगेट होगा, दैट इज A की तुलना में B का जो लेंथ इंक्रीमेंट होगा वह 3 times ज्यादा होगा, हेंस वी कैन से दैट इंक्रीजिंग ऑफ E दैट इज E के इंक्रीज करने पे मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होगा वो क्या करेगा डिक्रीज करेगा, एंड दैट्स व्हाई मेरा जो है वो चेंज इन लेंथ वो भी क्या होगा डिक्रीज करेगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ई के होता है,
या कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/E के होता है। सो अगर मेरा E इंक्रीज करेगा तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डिक्रीज करेगा, एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डिक्रीज करेगा तो मेरा चेंज इन लेंथ जो है वो भी डिक्रीज करेगा। बट ये किसके लिए है? फॉर ए गिवेन स्ट्रेस, फॉर ए गिवेन स्ट्रेस, दैट इज सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फर्स्ट, एन इनकम्प्रेसिबल मटेरियल हैज जीरो वैल्यू ऑफ ई, दैट इज इनकम्प्रेसिबल मटेरियल के लिए ई का वैल्यू कितना होता है? जीरो होता है। एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी एंड टाइप ऑफ लोडिंग, दैट इज टेंसाइल और कंप्रेसिव से ये इंडिपेंडेंट होता है। नाउ इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, यह केवल मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। एंड ऑल्सो यंग्स मॉडुलस ऑफ ए सबस्टांस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि सबस्टांस का यंग्स मॉडुलस क्या होता है? डिक्रीज करता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे। नाउ यूनिट ऑफ ई, ई हैज द सेम यूनिट एज दोज ऑफ स्ट्रेस, सिंस स्ट्रेन हैज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एंड ई इज इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस डिवाइडेड स्ट्रेन। सो ई हैज द सेम यूनिट एज दोज ऑफ स्ट्रेस, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, किलो पास्कल, मेगा पास्कल, गीगा पास्कल, इटीसी। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ब्रीफली एक्सप्लेन किया। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। सो वीडियो के पसंद आने पे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।